एनडीए और बिहार मंत्रिमंडल से बर्खास्त वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एमएलसी चुनाव में किया मतदान, वोट किसे दिया इसका भी कर दिया खुलासा। बगावती तेवर की वजह से हाल ही में एनडीए और नीतीश मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए गए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अपने गृह जिले दरभंगा के बिरौल प्रखंड मतदान केंद्र पर विधान परिषद चुनाव के लिए मतदान किया। मुकेश सहनी ने वोट देने के बाद बड़ी सफाई गोई से इसका खुलासा भी कर दिया कि उन्होंने अपना वोट किसे दिया। मीडिया से बात करते हुए मुकेश सहनी ने कहा कि उन्होंने पहली वरीयता का वोट अपनी पार्टी के प्रत्याशी बैद्यनाथ सहनी को दिया है, जबकि दूसरी वरीयता का वोट कांग्रेस प्रत्याशी को दिया है। पत्रकारों के सवाल के जवाब में मुकेश सहनी ने कहा कि हर पार्टी को अपनी जीत का दावा करने का अधिकार है। जिस तरह एनडीए जीत का दावा कर रहा है, उसी तरह वे भी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों की जीत का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में उनके साथ उम्मीदवार खड़े हैं, उन्हें उम्मीद है कि स्थानीय प्रतिनिधि उन्हें जीत दिलाएंगे। बता दें कि हाल ही में भाजपा के कहने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। उसके बाद मुकेश सहनी के मंत्रिमंडल और एनडीए के साथ छुट्टी हो गई थी। एनडीए से हटाए जाने के बाद कांग्रेस ने मुकेश सहनी को अपने साथ आने का ऑफर दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस को वोट देने का खुलासा देकर मुकेश सहनी ने भविष्य में कांग्रेस के साथ राजनीति करने का संकेत दे दिया है। पार्टी से यहाँ बैद्यनाथ सहनी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे हमने पहला नंबर का वोट हमने अपने प्रत्याशी को दिया है, हमने दूसरा वोट जो है कांग्रेस पार्टी को मैंने दिया है। देखिए, मैं तो अभी मतदान करने के लिए आया हूँ और हमारे भी पूरे बिहार में 7 जगह प्रत्याशी हमने उतारा है, 2 जगह निर्दलीय को समर्थन दिए हैं और मजबूती से हम लोग लड़ रहे हैं। और ये तो जनप्रतिनिधि के ऊपर है कि किनके साथ चलना है, किस तरीके से है, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे प्रत्याशी के ऊपर भी लोग पसंद करें और हम लोगों ने लोगों के जनता को जनप्रतिनिधि को दिल जीतने के लिए हम लोगों ने प्रत्याशी को उतारा है और देखिए रिजल्ट आएगा तो उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रत्याशी भी जीते। एनडीए भी जीत की दावा कर रही है। निश्चित तौर पर हर प्रत्याशी को, हर पार्टी को जीत का दावा करना चाहिए और वो तो रिजल्ट जब निकलेगा परसों, तब तो 7 तारीख को तभी सब सामने आ जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन चुनाव मैदान में जो भी रहता है वो सबको जीत का लिए ही उनको दावा करना चाहिए। इस न्यूज के प्रस्तुत करता है सिटी सेंटर द कंप्लीट मल्टी ब्रांड मेंस वेयर शोरूम सुभाष चौक दरभंगा। ली एक्सक्लूसिव शोरूम सुभाष चौक और दैनिक ओमी तंजीम न्यूज़पेपर दरभंगा। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना।